हेलो फ्रेंड्स, शरीर को ठंडा रखने के लिए आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? ठंडा पानी, नारियल पानी या फिर आम पन्ना, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्वार, जी हाँ ज्वार, जैसा यूजुअली हम आटा बनाते हैं, वो भी हमारे शरीर को ठंडक देने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसीलिए मेरी आज की वीडियो ज्वार के लिए ही है। कैसे आप ज्वार का सेवन कर सकते हैं और अपनी बॉडी को ठंडक दे सकते हैं, जानिए मेरी आज की वीडियो के द्वारा। दोस्तों, यदि आप को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है तो आप ज्वार का सेवन कर सकते हैं। गेहूं के आटे के साथ या फिर मक्के के आटे के साथ ज्वार के आटे को भी मिला सकते हैं, इसकी रोटियां बना सकते हैं या फिर इस आटे का हलवा भी बना सकते हैं। इसके आटे का हलवा ना केवल टेस्टी होता है बल्कि हमारी बॉडी को ठंडक देने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। आप चाहें तो ज्वार को रात भर भिगो कर उसे सुबह कच्चा भी खा सकते हैं। यह हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है और उसी के साथ साथ शरीर के तापमान को नॉर्मल रखने में भी हमारी मदद करता है। तो आइए आज जानते हैं ज्वार के कुछ और स्वास्थ्य लाभों के बारे में विस्तार से। टिप नंबर 1 है, बवासीर और खूनी दस्त को रोकने के लिए ज्वार काफी अच्छा माना जाता है। यदि आपको बवासीर की शिकायत है और उसकी वजह से आपको काफी घाव का सामना करना पड़ता है तो आप ज्वार का सेवन कर सकते हैं। टिप नंबर 2, ज्वार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सबसे अच्छा स्रोत है। इसीलिए आप चाहे तो विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए ज्वार का सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, मधुमेह के रोगियों को अपना ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए आप चाहें तो मधुमेह के रोगियों को ज्वार के आटे की रोटियां बनाकर भी खिला सकते हैं। नंबर 4, यदि ज्वार के दानों की राख बनाकर मंजन किया जाए तो उससे दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन और दांत हिलने की समस्या दूर हो जाती है। टिप नंबर 5, यदि ज्वार के कच्चे बीजों को पानी में भिगोकर पेस्ट बनाया जाए और चेहरे पर लगाया जाए तो ये ना केवल मुहासों को हटाते हैं बल्कि जिन लोगों की स्किन काफी ज्यादा ऑयली है उसे भी दूर करने के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। सो दोस्तों, शरीर को ठंडा रखने के साथ साथ ज्वार आपके शरीर को अनेकों अनेक फायदे भी दे सकता है। इसीलिए ज्वार का सेवन जरूर करिए। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए।